अपना परिचय बता दो। मैं शमीम नुमानी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। शमीम जी, आज किस तरह का आपने तहरीर दिया है लोगों को? देखिए, अभी जो पूरे देश में आम चुनाव हो रहे हैं, तो इस आम चुनाव में आप देखेंगे इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा जिस शर्मनाक तरीके से, जिस बेशर्मी से आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है और चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसी के खिलाफ कल सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पे 9:30 बजे माननीय दिनेश लाल निरहुआ जी का कार्यक्रम द कपिल शर्मा शो में चल रहा था और ये कार्यक्रम 11:20 पर समाप्त हुआ और 11:20 के बाद दोबारा रिपीट टेलीकास्ट किया गया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार से भी हमारा सवाल है, चुनाव आयोग से भी, कि क्या इलेक्शन कमीशन के और कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो केवल विपक्षियों के लिए ही है या चुनाव जो राष्ट्रीय पार्टी है, जिसकी रोलिंग पार्टी है, उसके लिए भी कोई चुनाव आचार संहिता है और कोई चुनाव आयोग है जो ये तय करे कि कितना खर्च होना चाहिए और कितना खर्च वो कर रहे हैं और किस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो रहा है। तो आपने जो तहरीर दी है, क्या तो मुकदमा दर्ज हो गया है? अभी मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है, हमने तहरीर दिया है लोहता थाना अध्यक्ष को, SSP वाराणसी, जिलाधिकारी वाराणसी, जिलाधिकारी आजमगढ़, इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश और इलेक्शन कमीशन दिल्ली, नेशनल इलेक्शन कमीशन को हमने रजिस्टर्ड लेटर से लेटर भेज दिया है और ये अब जाँच का विषय है। 1-2 दिन में हम फिर जिलाधिकारी आजमगढ़ से मिलने भी जाएंगे और मिलकर भी उनको तहरीर देंगे और हम उम्मीद करेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट का पालन हो, जिस तरह से वो विपक्षी गणों के लिए कानून का पालन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव आयोग जिस तरह से सख्ती दिखा रहा है उसी तरह की सख्ती लोकतांत्रिक देश में रूलिंग पार्टी के प्रत्याशियों के लिए भी होनी चाहिए और उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग इसको करेगा, मजबूती से पालन कराएगा।